morning dear students. First of all, you are warm welcome in the new class 11. Before starting the content for 11, actually it is desired that you must be knowing the basic things which are necessary for you in order to study the physics. Because beta, for 11th and 12th jo aapko physics padhna hai usme aapko aapke prior 8th mein 9th mein 10th mein jo ho gaya hai uska bhi knowledge hona zaruri hai. As because of corona pandemic last 1.5 year mostly we all are working from home, means you are working from there at your home online and we are working from the school online. So we think that it's very important to make you understand with all the basics जो आपको 11 के लिए 12 के लिए बाद में जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसका डिस्कशन होना एक बहुत ज़रूरी बात है. सो इन ऑर्डर टू डू दैट वी विल बी स्टार्टिंग विथ सम पॉइंट्स विच आर नेसेसरी फॉर यू पीपल. सो फॉर टुडे आई हैव सिलेक्टेड दिस पॉइंट. व्हाट इज दैट? इंट्रोडक्शन टू बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज. तो पहले बेटा फिजिकल क्वांटिटी में क्या आता है? तो फिजिक्स में जो कुछ हम मेजर करते हैं, मेजरमेंट आता है फिजिक्स में, बराबर मेरा हाइट कितना है, ये कैमरा का वो मेगापिक्सल में वगैरह आप देखते हो ना, जूम कितना आता है, क्या आता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितना है, डिस्टेंस कितना है, वेट किसी ऑब्जेक्ट का कितना है, उसका मास कितना, बहुत सारी चीज़ें. तो इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. तो ये फिजिकल क्वांटिटीज अगर हमें सीखना है उसमें और उसका डिटेलिंग देखना है तो क्या कर सकते हैं? तो आज हम आपने जो 8th में 9th में 10th में जो जो चीज़ें पढ़ी है उनका ही एक ओवरव्यू लेंगे. कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपने पढ़े नहीं हो तो मैं आपको वो सिखाऊंगा, उसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, तो अभी मैंने बताया आपको फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या है. द क्वांटिटीज विच वी यूज फॉर अवर मेजरमेंट पर्पस. तो सिंपल में इनको मैं बोल सकता हूँ क्वांटिटीज विच आर यूज फॉर मेजरमेंट पर्पस. सो ये कहाँ यूज करते हैं? मेजरमेंट में यूज करते हैं. किसी भी चीज को अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए हमको हरे फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करनी है, बराबर. तो ये फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है? तो उसमें दो टाइप आते हैं आपके, दो टाइप मतलब रेगुलर आपके डे टू डे लाइफ में यू माइट कम अक्रॉस मेनी फिजिकल क्वांटिटीज. तो आज हम पहले क्या करते हैं, जितने जितने आपको याद है उसको हम टैबलेट करते हैं, बराबर. पहले क्या है? लेंथ आता है, किसी भी चीज़ का लेंथ कितना है तो आता है लेंथ. दूसरा है मास, किसी चीज़ का मास कितना है तो दूसरा आता है मास. टाइम, बराबर. लेंथ, तो एक बन गया लेंथ, दूसरा बन गया मास, तीसरा बन गया टाइम. टाइम कितना हुआ वो भी हमें लगता है, कितने टाइम में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. बाद में टेम्परेचर, टेम्परेचर आता है. बाद में वो बाद में आपको 11th में जब आपका रेगुलर हो जाएगा शुरू तो उसमें ये सब चीज़ें आने ही वाली हैं. तो अभी तक आपने जो जो पढ़ा है वो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ. इसमें आता है पांचवा आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड आता है आपका, बराबर. बाद में यहाँ पे आएगा
एक्सेलरेशन, बाद में आएगा आपका एक्सेलरेशन के बाद में मोमेंटम आएगा। अगर आपको ये मालूम नहीं है तो डोंट वरी अबाउट दैट, ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू, आई विल एक्सप्लेन यू, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, बाद में मोमेंटम के बाद में एक आता है इंपल्स। ठीक है, इंपल्स वगैरह बाद में देता हूँ, आपको जो जो मालूम है वो अभी लेते हैं। फोर्स मालूम है आपको, फोर्स मालूम है, वर्क मालूम है आपको, बराबर, एनर्जी मालूम है आपको, हो गया, ये 11 चीजें हो गई। एनर्जी के बाद में क्या क्या मालूम है आपको, टेंशन मालूम होगा, प्रेशर मालूम होगा, बराबर, इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ 12 प्रेशर। बाद में टेंशन और कौन सी चीज़ें जो आपको मालूम है, जो आपने सीखा है ऑलरेडी, है ना, तो ये तो सीखा है सब आपने, ये सब अपने फिजिक्स में सीखती है। इससे थोड़ा सा हट के अभी हम इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे, उधर में है ना, उधर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बाद में वोल्टेज और पोटेंशियल, बराबर, वोल्टेज और पोटेंशियल। बाद में रेजिस्टेंस और बहुत सारी चीजें। हाँ, एक इंपॉर्टेंट रह गया वर्क के बाद में पावर, पावर भी एक इंपॉर्टेंट चीज। तो ये सब है, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो अभी आपने देखा होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने सबके नाम लिखे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू मे नोट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। ओके, तो हो गया। इसके बाद में हम यूनिट्स इनके देखेंगे। यूनिट तो आपको 11 में उसका टोटली इंट्रोडक्शन होगा, अभी आपको मालूम है देर आर 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट। क्या क्या है, MKS, हाँ, दूसरा है CGS और तीसरा है SI। तो MKS कहाँ यूज करते हैं हम, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। समझ गए बेटा, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। CGS में क्या है, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड। और SI में क्या है, तो SI में अलग अलग नाम दिए हैं हर एक क्वांटिटी। वो नाम कौन से हैं, आपके जो साइंटिस्ट हैं उनके ही नाम उनको दिए। तो ये जो है SI यूनिट, SI सिस्टम ऑफ यूनिट, इट इज वेरी कॉमन एंड जनरली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ज़्यादा रहते सीरियस तो हम ज़्यादा पढ़ते नहीं है ऐसा। तो SI सिस्टम में अभी लेंथ कैसे मेजर करते हैं, तो लेंथ मेजर करते हैं SI में, मीटर में, CGS में, सेंटीमीटर। ओके, मास कैसे मेजर करते हैं, मास ग्राम, सॉरी मास किलोग्राम एंड ग्राम। टाइम तो सेकंड्स में ही मेजर करते हैं, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस केल्विन। तो ऐसा है तो केल्विन में, केल्विन के में। डिस्टेंस अगेन ये डिस्टेंस मीटर में मेजर करते हैं, स्पीड आएगा आपका मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। तो अभी मैं भी क्या 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 करने जा रहा हूँ, एटलीस्ट आपको इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या है, इसलिए मैं दिखाते दिखाते उसका फॉर्मूला भी बोलूंगा। इफ एनीबडी फ्रॉम यू, इफ यू डोंट नो देन यू मे नोट डाउन इट। इनका तो फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, पहले आएगा फॉर्मूला स्पीड। तो स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये हो जाएगा आपका स्पीड। डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रैवल, ये आपका मीटर है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है। इसका CGS यूनिट क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड।
बाद में एक्सेलरेशन पे जाते हैं। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एकदम सिंपल डेफिनेशन नहीं दे रहा आपको, फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको मालूम रहने के लिए। ये सब चीज़ें आप फिर से पढ़ने वालों के लिए होती हैं, लेकिन इसके आगे आगे क्या है वो सब पढ़ने वाले, तो एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए ये क्या है। तो एक्सेलरेशन को बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी मेजर करेंगे मीटर पर सेकंड में, इनिशियल भी मीटर पर सेकंड में, और डिवाइडेड बाय सेकंड। तो इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा ही सीजीएस यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए बेटा। बाद में मोमेंटम, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। क्या क्या लिखेंगे, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो पी इज इक्वल टू एम वी, ओके, कितने मास का ऑब्जेक्ट है और कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है, मास इनटू वेलोसिटी। ये सब आपको आपके नाइन्थ में, एट में, टेंथ में, टेंथ में ज़्यादा नहीं है, ये नाइन्थ में ये सब चीज़ें आपके हो चुकी हैं। मोशन में आपने जो मोशन पढ़ा था उसमें ये आपकी चीज़ें हो चुकी हैं। सो इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल फ्रॉम दिस लेक्चर, यू विल बी एबल टू रिकॉल। ओके, मोमेंटम कैसे आएगा, तो अभी मास इनटू वेलोसिटी, मास किस में मेजर करते हैं हम, मास ऑफ द बॉडी किलोग्राम, वेलोसिटी मतलब स्पीड, मास इनटू वेलोसिटी स्पीड किलोग्राम, ये और ये मीटर पर से हो गया अपना, इसको क्या बोलेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सीजीएस क्या आएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। इधर ही लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, इसको आगे हटाता हूँ, ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, लेकिन ये ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है मालूम है आपको, फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन। सीजीएस यूनिट क्या है, डाई। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, एन, एन फॉर न्यूटन। तो ये सब चीज़ आपको रिकॉल करनी पड़ेगी। वीडियो आप तीन तीन चार चार बार भी देख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, जिनको आता है नो प्रॉब्लम, जस्ट एक बार देख के आपका पॉइंट नोट डाउन करो और क्या क्या आपको रिवाइज करना है वो ध्यान। फोर्स न्यूटन और डाई, वर्क, वर्क एनर्जी, दोनों को ऐसा यूनिट आता है जूल। ये सब साइंटिस्ट के नाम है, वर्क क्या आता है, जूल, और सीजीएस यूनिट आता है अर्थ, ऐसा यूनिट आता है जूल, सीजीएस यूनिट आता है अर्थ। एनर्जी, एनर्जी भी जूल में करते, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको मालूम है जो मैं वर्क करूँगा वो मैं किसी टाइप के एनर्जी में उसको सेव करूँगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मीन्स इफ आई हैव पुल्ड द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग को खींचने के लिए मैंने वर्क किया, तो वो किसके फॉर्मेट में रहा, वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में रहा। आपके जो वॉच होते हैं ना उसको चाबी देना पड़ता है, टर 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 करके चाबी देते हैं, पूरा होने के बाद वो वॉच अगले एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, जो कुछ है आपके उस टाइम तक चालू रहता है, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी रहती है। तो एनर्जी, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जैसे आप वर्क का यूनिट लिखोगे सेम यूनिट विल बी फॉर एनर्जी, जूल एंड अर्थ। अभी प्रेशर, प्रेशर का यूनिट है पास्कल। ओके, प्रेशर किसमें मेजर करते हैं, पास्कल। ओके, और सीजीएस यूनिट आपका रेगुलर पास्कल। प्रेशर मतलब क्या है, प्रेशर का डेफिनेशन है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ये सब चीज़ें मैं आपको इंट्रोडक्शन में लेने वाला हूँ, बाद में एक 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 लेक्चर में इस हर एक चीज़ के ऊपर हम फाइनली एम्फोसाइज करेंगे, ताकि आपको वेन यू विल स्टार्ट विथ योर रेगुलर फिजिक्स इन दैट, इसके वजह से ये मेरे को समझा नहीं, ये आया नहीं, ये फोर्स मेरे को मालूम नहीं, मैं भूल गया हूँ, ऐसे आपके रीज़न आना बंद हो जाएगा। आपको आराम से जो सामने का लेक्चर है वो देखने के लिए आपको पूरा जो बेसिक नॉलेज है
वो मिलता रहेगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट. प्रेशर पास्कल, तो प्रेशर मैंने डेफिनेशन क्या बताया, फोर्स पर यूनिट एरिया. लेकिन आपको ध्यान में रखना है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया. नॉर्मल का मतलब क्या है, जो परपेंडिकुलर है. अभी ये मेरे हाथ को ये पेन है, ये परपेंडिकुलर है, ऐसा है वो नॉर्मल नहीं कहा जा सकता, ऐसा है वो नॉर्मल नहीं कहा जा सकता. वो जो परपेंडिकुलर है, तो जो फोर्स परपेंडिकुलर है वैसा फोर्स. सो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया. तो फोर्स का यूनिट क्या है आपका, फोर्स का यूनिट है न्यूटन. एरिया, एरिया मतलब क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर. तो इसका एक्चुअली एक्चुअली असल में यूनिट कितना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. लेकिन हम बोलने के लिए उसको क्या बोलते हैं, पास्कल. वी आर कॉलिंग इट एज अ पास्कल, न्यूटन पर मीटर. नेक्स्ट इसका सीजेस क्या आएगा, न्यूटन को डाइम करो, तो आएगा डाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. बन गया, ओके. बाद में टेंशन, डोंट वरी, आई विल गिव यू वन बाय वन, देन यू राइट. जिनको आता नहीं है, जो भूल गए, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, जो कुछ है उनके लिए मैं फिर से एक बार बोलूंगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो लिखूंगा भी बोर्ड पे. ये पहले इसको कंप्लीट करो. टेंशन, टेंशन का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन लेंथ और फोर्स पर यूनिट लेंथ. टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ. सिंपल में फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स को लेंथ से डिवाइड करो, तो अपने पास फोर्स है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन. लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर. तो न्यूटन पर मीटर. यहां पे क्या आएगा, डाइम पर सेंटीमीटर. यहां पे क्या आएगा, डाइम पर सेंटीमीटर. हो गया. तो ये सब चीजें इसको बोलते हैं, ये सब जहां पे आते हैं वो ब्रांचेस है डिफरेंट. फिजिक्स के कौन कौन से ब्रांचेस है, मैकेनिक्स है. मैकेनिक्स में क्या क्या आएगा, ये सब आपका एक्सेलरेशन, मोमेंटम, स्पीड, फोर्स वगैरह सब मैकेनिक्स में आएगा. बराबर, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ये सब सब सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, मेनी आर दैट ऑल विल कम इन मैकेनिक्स. और एक फिजिक्स का ब्रांच है, वो बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी. इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के ब्रांच की यूनिट है. तो करंट का आपको मालूम है, करंट का एम्पीयर, ज़्यादा उस पर एक्सरसाइज करने का जरूरत नहीं है. वोल्टेज का वोल्ट, रेजिस्टेंस का ओम. तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट इतना आपने अगर सीखा, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपके लिए वो ईजी रहेगा. तो फिर से हम इसका ओवरव्यू लेते हैं. मैं क्या करता हूँ, पहले एक ही एक फिर से आपको बता देता हूँ, यू मे नोट डाउन और यू मे रिकॉल. ओके, फिजिकल क्वांटिटीज में. अभी उससे पहले और एक चीज़ आपको बता के रखता हूँ, ये जो है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे दो तीन और भी है इसमें, ये है, इनका कुछ फॉर्मूला नहीं है. देखो फॉर्मूला है क्या, लेंथ का, लेंथ का फॉर्मूला. अरे सर क्या है लेंथ का फॉर्मूला, क्या आएगा, हम तो मेजर करते हैं और लिख देते हैं, बराबर है, तो उसका अलग सा कुछ फॉर्मूला नहीं है. तो वो उसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. क्या बोलते हैं, फंडामेंटल. अभी आपके लिए नहीं, आपके लिए अभी आपने याद जस्ट रखा तो भी चलेगा, बाद में आपका जब एक्चुअल सिलेबस का चालू होगा उस टाइम आप सीखेंगे. आपको बोल के रखो, लेंथ है, मास है, टाइम है, ये सब फंडामेंटल है. और ये लेंथ, मास, टाइम, इनका यूज करके हमने क्या डिराइव किया है, देखो लेंथ का भी यूज किया है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस लेंथ में आएगा. स्पीड, स्पीड में दो क्वांटिटी यूज किया, लेंथ और टाइम यूज किया है, बराबर, मीटर पर सेकंड, लेंथ टाइम पर सेकंड. एक्सेलरेशन भी फिर से क्या क्या है, मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब लेंथ का भी यूनिट यूज किया है, सेकंड स्क्वायर, टाइम का भी यूज किया है. यहाँ पर भी वही वैसा ही है. न्यूटन, न्यूटन का क्या है, न्यूटन फोर्स, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड. एफ इज इक्वल टू एम है ना, न्यूटन सेकंड लॉ आपको मालूम है. तो ऐसा देखा, इफ आई विल सी दिस, एवरीथिंग एवरीथिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम, एवरीथिंग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम माय फंडामेंटल थिंग्स.
इसको एकदम कुछ इधर उधर देखने का भी ज़रूरत नहीं है, इसको देखते 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 आप इसको पूरा रिकॉल कर सकते हो, इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इनको बोलेंगे फंडामेंटल, और जो फंडामेंटल नहीं है, जो डिराइव है, ये सब आएंगे आपके डिराइव फिजिकल डिराइव। फंडामेंटल इनको बोलेंगे DERIVE, डिराइव टू डिराइव, मतलब इन चीज़ों से उनको डिराइव किया है, उनको फॉर्मुलेट किया है, तो उनको बोलते हैं डिराइव फिजिकल। तो ये सब है आपके फिजिकल क्वांटिटीज, समझ गया बेटा। तो अभी हम क्या करेंगे, एकदम जैसा पहले टेबल वगैरह रिसाइट करते थे, इतना भी नहीं रिसाइटेशन का, आपको रिसाइट करके अपन को तोता बनने का नहीं है, लेकिन दिस इज इम्पॉर्टेंट, इतना तो आपको दिमाग में रहना ही चाहिए। तो हम क्या क्या करेंगे, आई सजेस्ट यू फर्स्ट ऑफ ऑल नोट ऑन दिस, आफ्टर दैट आई विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मतलब इनके फॉर्मूले क्या आते हैं, क्या क्या कैसे आते हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा। तो पॉज करो वीडियो को, नोट डाउन करो। तो बच्चों किया अभी नोट डाउन, अभी इसके बाद में हम हर एक चीज को पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है, ओके ठीक है, जो जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको यहाँ पे मैं टैबलेट कर रहा हूँ, और उनका फॉर्मूला और असाइनमेंट को अभी लिखा है, तो एक एक करके देखते हैं। ओके, तो पहले देखा हमने स्पीड, स्पीड को कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ओके, दूसरा, हाँ इसका एसेंट क्या है, मीटर पर सेकंड। ओके, ये तो ऐसा इधर में उसको टैबलेट, ये आपका बेसिक आपके पास रहे, कभी भी आपको जरूरत पड़े तो इसको रेफर कर सकते हो, एक दो तीन महीने के लिए रेफर किया तो बाद में रेफर करने का जरूरत नहीं है। स्पीड के बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और स्पीड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, फोर्स, फोर्स का क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन का सीजेस मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि तो आप लिख सकते हो उसको, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स को मास किलोग्राम, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम उसको क्या लिखते हैं, हम उसको अभी लिखते हैं न्यूटन, हम इसको लिखते हैं न्यूटन, तो लिखने के लिए न्यूटन एम, और उसका मीनिंग क्या है, इनटू ब्रैकेट लिख देता हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें आपको कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, यू मे आफ्टरवर्ड्स यू मे आस्क फॉर योर डाउट्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। बाद में चौथा, फोर्थ, मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपको क्या बताया था मैंने, मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, और ये मोमेंटम क्या है, कैसे है, ये सब आपको बाद में समझेगा, एटलीस्ट ये आपको मालूम है, इसीलिए हम इसको पढ़ाए, मास वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मास किलोग्राम में, वेलोसिटी स्पीड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो अभी वेलोसिटी कितना बन गया, किलोग्राम, सॉरी मोमेंटम कितना बन गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट, इसके बाद में हम जाते हैं आगे वाली क्वांटिटी। तो आगे वाली क्वांटिटी के लिए क्या है बेटा, देखो पांच, हाँ मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, स्पीड हो गया, ओके, और क्या क्या लगता है हमें, आपको मालूम है, और लेंथ से रिलेटेड आपको चीजें लगती है, दो लगती है, एक आता है एरिया, किसी भी चीज का अगर एरिया फाइंड करना है तो कैसे करते हैं,
स्क्वायर है नहीं तो रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बराबर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एरिया डिपेंड करता है, अपने अपने लिए एरिया के लिए हम लेंथ को दो टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ऑफ कोर्स आपके भाषा में अगर स्क्वायर है तो आप लिखोगे साइड स्क्वायर, लेकिन मेरी भाषा में मैंने क्या किया, साइड को दो टाइम मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो सेम था। साइड का बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ। तो आप अभी आप लोगों को लिखने के लिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिखा तो भी चलता है, लेंथ इनटू लेंथ लिखा तो भी चलता है। तो एरिया हर एक चीज़ के लिए अलग आता है। तो एरिया को ऐसा कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं आएंगे, जो आपका है स्क्वायर है इसका सर्कल है अलग अलग सा आएगा, लेकिन उसका मीटर स्क्वायर ये इम्पोर्टेंट है, उसका यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ को दो टाइम आपने मल्टीप्लाई किया। ओके, एकदम सिंपल। एरिया के बाद में आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है एक्चुअली, तो एरिया वॉल्यूम के बीच में अभी आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ। एरिया मतलब ये है, सपोज मैंने स्क्वायर है तो ये बन जाएगा उसका एरिया, बराबर? एक मैंने स्क्वायर लिया, सपोज ये मेरे पास की है, यहाँ पे ये जो है सब ये बन गया इसका एरिया। और वॉल्यूम मतलब क्या है, सपोज ये पेन है, पेन है ना, तो इसको मैं खोला तो इसके अंदर जगह है ना, ये हॉलो है, कोई सॉलिड भी हो सकता है, बराबर? तो वॉल्यूम मतलब अभी ये हम रूम में रहते हैं तो रूम में हवा है तो रूम का वॉल्यूम हो जाएगा, बराबर? और जिस जमीन पे हम पैर रखते हैं दैट फ्लोर ऑफ दैट रूम विल हैव इट्स एरिया। वॉल है, वॉल को खुद का एरिया होगा, लेकिन रूम को टोटल लिया तो उसको वॉल्यूम बनेगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वॉल्यूम आता है मीटर क्यूब और सेंटीमीटर मीटर क्यूब। तो अभी इसी स्क्वायर को मैंने बहुत सारे ऐसे स्क्वायर जोड़ दिए गए तो ये बन गया ना, ये क्यूब बन गया, बराबर? तो ये क्यूब का वॉल्यूम भी कर सकते हैं, बराबर? तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स, ज्योमेट्रिक शेप्स, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स। तो यहाँ मैं लिख के रखता हूँ। आपको क्या करना है, आपको जो जितना आपकी टेंथ में नाइन्थ में एट्थ में जो हुआ है वो सब फॉर्मूले आपको रिसेट करना पड़ेगा, रिकॉल और फॉर्मूले फॉर एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स। या आपके लिए नोटिस क्या करना है, रिकॉल करना है सब फॉर, मतलब सर्कल का एरिया कितना था, स्पीयर का वॉल्यूम कितना था, बराबर? ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे रिसाइट नहीं, लेकिन क्या करो उसका है? देखो बेटा काम करने का तरीका होता है, बराबर? काम करने का तरीका होता है, तरीके से काम किया तो हो जाता है। आपको अगर एक दिन में इतना इतना काम दिया है तो आप क्या करोगे, पहले प्लान करोगे, ये काम मैं पहले करूँगा वो बाद में करूँगा, ये काम हुआ तो ये कैसे करूँगा, दैट यू विल डू। सो एज अ पार्ट ऑफ योर प्लानिंग इसको एक काम करो, एक कागज़ पे अपने हैंड राइटिंग में एक एक को सब बुक से देख देख के, नहीं तो मेरे को पूछो, आई विल ऑल्सो गिव यू द आइडिया। और एक उसका लिस्ट बनाओ एंड पेस्ट इट ऑन द वॉल एंड जस्ट रीड इट डेली 5 times और ऐसा 20 दिन करने आपको, बस 21 days। तो अपने आप 21 days भी नहीं, किसी किसी का 2-3 दिन में ही पूरा रिसेट हो सकता है, रिसेट मतलब वो आता है, बराबर? तो ये सब फॉर्मूले ही आपको क्या होता है, इसका रोल बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये नहीं आया तो आपका काम अटक जाएगा, आगे कुछ कर नहीं सकते। अगर मेरे को मालूम ही नहीं है वॉल्यूम मेजर करते मीटर क्यूब में है तो आगे क्या करूँगा मैं, यूज है गैस, दैट इज़ द थिंग। तो साइंस में ये चीज़ें हैं, साइंस में और फिजिक्स में आप अगर आप देखोगे तो आपको ये सब
मालूमात इसका रहना चाहिए. दैट इज़ वाई वी हैव सेपरेटली केप्ट द लेक्चर फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज. हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, सॉरी ये 3 × 6 लिखना चाहिए. ओके, अभी जाते हैं 7. बहुत सारे कितने नाम है, किस किस को याद करें. 7 क्या कहा आपका, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एरिया, वॉल्यूम. अभी आगे जो मैंने बताया था आपको क्या क्या, आगे जाएंगे प्रेशर. प्रेशर को अभी से ही हम लिखेंगे नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया. अभी तक आपने लिखा होगा प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, ऐसा नहीं लिखने का, क्योंकि क्या होता है ये बाद में आपको पता चलेगा, प्रेशर कितना है वो डिपेंड करता है फोर्स कैसे दिया है. क्योंकि NCERT में आपके 9th में या हाँ 9th क्लास में आपको सिखाया होगा कि घोड़ा है और हाथी है, हाथी में तो ऊँट देते, ऊँट ऊँट लेते, तो रेगिस्तान में घोड़ा भी नहीं, एक बिल्ली जा रही, बिल्ली नहीं तो बिल्ली नहीं ऊँट के इतना हिसाब का घोड़ा ही लेते. तो घोड़े का पैर कैसा होता है, ज़्यादा उसको एरिया नहीं होता ऐसे ऊँट के हिसाब से. कैमल एंड हॉर्स, कैमल का थोड़ा सा ऐसा होता है ना एकदम ज़्यादा एरिया कवर करता है, तो रेगिस्तान में उसको आने जाने के लिए अच्छा होता है. क्या होता है, वो जब पैर रखता है तो एरिया ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड, सो आंसर विल डिक्रीज, प्रेशर कम होगा, बराबर. अभी हम चले गए, हमारे पैर भी थोड़े से फ्लैट होते हैं लेकिन ऊँट का बहुत फ्लैट होता है. तो रेत में चलने के लिए जिसका पैर फ्लैट है उसको ठीक से जाना पड़ेगा, उसको ठीक से ही विल बी एबल टू वॉक प्रॉपरली, एनीबडी, करेक्ट. कभी कभी फ्लोटर भी लेते हैं, फ्लोटर्स का मतलब क्या है, अगर कभी कभी चप्पल को भी हम फ्लोटर्स बोलते हैं ना, कुछ कुछ होते हैं फ्लोटर्स, मतलब उसका एरिया बड़ा किया होता है. तो प्रेशर आपको अभी ध्यान में रखना है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया. इसका यूनिट क्या है एक्चुअली में, पास्कल. ये क्या है, पास्कल, और ये लिखते कैसे हैं, दैट इज मैंने देख लिया पहले, नहीं तो आगे चला जाऊंगा आपको दिखेगा ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पास्कल, ये यूनिट है इसका. और ये कैसे लिखते हैं, ये मैंने ब्रैकेट में आपको करके दिखा. 8 नंबर को जाएंगे टेंशन. टेंशन मत लो बेटा, टेंशन के लिए टेंशन लेने का जरूरत, मतलब इस टेंशन के लिए वो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ. फोर्स कितना बनेगा आपका, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर. सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, इसमें से जो कुछ आपको आता नहीं है वो आप इधर से देख के कर सकते हो, पॉज द वीडियो एंड नोटिस. हो गया बेटा, ठीक. नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. इतना हो गया 8 मिनट. बाद में इसको हटा देते, ओके. 9 वर्क, आपको समझने के लिए अभी हम लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स किसमें मेजर करते हैं, फोर्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर में करते हैं, मेजर करते हैं. इसका यूनिट क्या है, जूल, JOULE, ओके, जूल यूनिट आएगा, जूल. लेकिन वो कैसे आता है, वो आता है फोर्स मतलब न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, तो न्यूटन मीटर क्या आएगा, न्यूटन मीटर, ओके. 10th वन वर्क, उसके बाद में पावर. Power is work done per unit time. Work upon time. Power का unit क्या है, वॉट, W A T T.
ओके, और बैक भी लिख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग आ सकता है। ये सब साइंटिस्ट के नाम। वर्क का क्या होता है? वर्क अकाउंट है, वर्क आता है जून में, तो हम उसको लिखते हैं जून पर सेकंड भी बोल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है वो आपको याद रखनी है, वो आपको आगे कोई नहीं सिखाएगा। देयर इज अ गैप बिटवीन 10th एंड 11th। वो गैप क्या है? कोई कोई चीज़ें होती है जो 10th में पढ़ते हैं 9th में पढ़ते हैं, लेकिन उसका कोरिलेशन कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें वो उधर नहीं पढ़ी जाती, तो वो सब सबको मिक्स करके सबको मिला के ये आपका हो जाएगा, बराबर। इसके बाद में ये सेशन होने के बाद में आपका बेसिक मैथ्स भी हो जाएगा हर एक के लिए, मैथ्स के लिए अलग, फिजिक्स के लिए अलग, ये जो है वो आपका उधर जाएगा। तो तब तक हम अपना जो 8, 9, 10 में हमने जो सीखा है वो पूरा इसका रिवाइज करेंगे, रिवीजन टाइप का करेंगे। ओके, पावर इज वर्क ऑफ टाइम। ओके, बाद वर्क ऑफ क्या? एनर्जी। अभी एनर्जी के लिए खुद का ऐसा फॉर्मूला नहीं, एनर्जी के लिए खुद का ऐसा फॉर्मूला नहीं है, मतलब डिफरेंट टाइप के एनर्जी होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, तो एनर्जी के लिए ऐसा कुछ उसका खुद का फॉर्मूला नहीं है, हर एक एनर्जी के मुताबिक उसका होता है। एनर्जी में आपने लिखा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी आएगा एम जी एच, वो हम वर्क और एनर्जी जब पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। अभी तो आपको आपको लिखने के लिए जूल एनर्जी का क्या आएगा आपका जूल है, वर्क एनर्जी पावर ये सब हो गया, टेंशन हो गया, प्रेशर हो गया। तो ये है अपने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, समझ गए बेटा। तो ये हो गया सब पार्ट जिसमें मैकेनिक्स डीलिंग था, वी वर डीलिंग विद मैकेनिक्स। ओके, तो आज का आपका काम है इसके ऊपर ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है उनका आपको यूनिट मालूम होना चाहिए, उसका फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए, और ये फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से दो फिजिकल क्वांटिटी से बनी है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। ओके, ठीक। इसके बाद में जो हमने बताए थे करंट, ओके, करंट वोल्टेज, उसका अभी आपने यूनिट ध्यान में रखा तो भी चलेगा, क्योंकि करंट वगैरह जो थिंग है वो आपको 12th में आने वाली है, तो 11th में आपको इतना ही आपने अगर किया तो आपको बस। ओके, इसके बाद में जाते हैं 12th नंबर को, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आता है 12th नंबर को, वो लिख देते हैं हम डेंसिटी। डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है याद करो, क्या है? डेंसिटी मास ऑन वॉल्यूम, मास ऑन वॉल्यूम, तो हर एक चीज के लिए उसका डेंसिटी होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, किसी भी चीज का मास ले लो उसका वॉल्यूम ले लो उनका, उनको डिवाइड करो आपको मिलेगा डेंसिटी। डेंसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है हर एक फिजिक्स के टॉपिक में, आपको डेंसिटी तो आएगा ही आएगा। तो मास, मास का मेजर करेंगे किलोग्राम, वॉल्यूम पर मीटर क्यूब, तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सीरियस यूनिट क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बन गया। डेंसिटी क्या बन गया? मास अपॉन वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? अभी तो बोला था आपको, अभी अभी जस्ट बोला था एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो अभी देखो डेंसिटी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला आना ही पड़ेगा, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अभी ये फिजिकल क्वांटिटी जो है उनके यूनिट में एसआई और सीजीएस रिलेशन तो है, बराबर। तो वो रिलेशन आपको मालूम होनी चाहिए, वी मस्ट बी नोइंग द रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट्स। तो उसके लिए आपको जो मैट्रिक्स सिस्टम है उसका फिर से याद करना पड़ेगा, उसको फिर से याद करना पड़ेगा। कौन सा मैट्रिक्स सिस्टम है जो हम यूज करते हैं? मिली, सेंटी, डेसी, डेकाइटो, किलो, बराबर।
मिली सेंटी डेसी, बीच में आएगा आपका मीटर से लीटर ग्राम जो जो कुछ है, मिली सेंटी डेसी डे का है तो किलो, दैट वी मस्ट बी नो। अभी तो मैं अभी तक हमने पूरा प्रेशर किया, टेंशन किया, डेंसिटी भी किया। आई थिंक दिस ऑल आर योर फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो सब दिखा है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, और जो पहले सिखा है लेंथ, दूसरा है मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और भी है, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेकिन अभी नहीं करेंगे, वो आपके टेक्स्ट में। ये सब है, इनको बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और उसके बाद में जो दिए वो है डिराइव, मतलब किसी से उनको डिराइव किया है। आर गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया? इसके बाद में आपको क्या ध्यान में रखना है, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं समझाते जाऊंगा, आपको भी उसका फायदा होगा, बराबर? ठीक है, तो यहां पे और क्या आपको ध्यान में रखना है, तो कन्वर्जन फैक्टर्स, ओके, कन्वर्जन फैक्टर्स बिटवीन द यूनिट्स। तो फोर्स मानना था, फोर्स न्यूटन में भी करते हैं और डायनेमिक्स है ना। तो अभी अगर फोर्स लिखा मैंने कैसे, न्यूटन सीजे सीरीज डाय, तो वन न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाय, बराबर। तो अगर न्यूटन से डाय में कन्वर्ट कर रहा है, सो टू कन्वर्ट, एकदम बेसिक में पढ़ा रहा हूं मैं आपको, मतलब ऐसा आप बोलोगे हम 8, 9, 10 में ही है और सर हमें सब कुछ बता रहे, ये हमें मालूम भी है, वी आर एंजॉयिंग, इतना आराम से इतना इजी करके बता रहा हूँ। टू कन्वर्ट न्यूटन टू डाय आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10^5, बराबर। ये ए और बी, अगर उल्टा किया डाय टू न्यूटन कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करो, लेकिन 10^5 से नहीं करो, 10^-5, मतलब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। टू कन्वर्ट डाय टू न्यूटन क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10^-5 और डिवाइड बाय 10^5, जो कुछ आपको अच्छा लगे, सही लगे, आप सही मतलब दोनों भी सही है, आपको जो कुछ इजी लगे वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 23 न्यूटन, इसका मीनिंग कितना आएगा, 23 × 10^5 डाय, मतलब क्या 10^5 मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इतना डाय, इतना डाय है, इतना आपका डाय। और सपोज मैंने दिया 180 डाय, मैंने आपको दिया 180 डाय, तो अभी उसको न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करोगे, एकदम सिंपल है, 180 × 10^-5 और आप लिख सकते हो 180/10^5 वो कितना आएगा, 180/1, 2, 3, 4, 5 एक जन एक जन पर 18/10 तो मैं लिख सकता हूँ 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2 मतलब 18 लिखूंगा, 1, 2, 3, 4 इतना आंसर आएगा आपका, इतना न्यूटन आएगा, आप कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों का आपको प्रैक्टिस रहना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी हम वो कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, ये आपको मैंने कर दिखा करके दिखा है, तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, आगे आपको मैं और दो सिखाऊंगा और बाद में आप उसको कन्वर्ट करके अगले लेक्चर को मेरे को दिखाएं, ओके, इसको नोट डाउन करो। हो गया बेटा, अभी क्या करेंगे, अभी करेंगे आगे के लिए आप, हाँ तो 1 न्यूटन कितना दिया मैंने, 10^5 डाय, 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्थ, 1 जूल इज 10^7 अर्थ। तो अभी हम होमवर्क देते हैं, होमवर्क एकदम सिंपल आपकी प्रैक्टिस के लिए, फटाफट कर दीजिए, ओके, 2 5 0 0 डाय
इज इक्वल टू डैश डैश न्यूटन. सेकंड, 68 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डैश डाई. ओके, नंबर 3 जूल इज इक्वल टू डैश डैश और 2100 और इज इक्वल टू डैश डैश जूल. पांच नंबर के लिए देता हूं आपको, इज इक्वल टू डैश डैश न्यूटन. ये पांच हो गया. ये आपको क्या करना है, आज लिखना है इसका आंसर, आंसर पता करके दिखाना है. ओके, ये हो गया. तो अभी इसके इसके बाद में भी और कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स होते हैं ये यूनिट में. और आपको बता देता हूँ, आपका होमवर्क ठीक से रहेगा. 6.1 0.2 इंटू 10^-2 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डैश डाई. ओके, 5 × 10^3 डाई इज इक्वल टू डैश डैश न्यूटन. आठवां देते हैं, आठवां मैंने अभी आपको डेंसिटी दिया ना किलोग्राम पर मीटर, तो ये आप करो, अगर नहीं आया तो मैं आपको दिखा दूँ. ठीक है, ठीक है, इसका ही पहले देता हूँ, बाद में वो डिस्कस करते हैं. ओके, और क्या देते हैं आपको, 0.005 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डैश डाई. ओके, और नाइन्थ वन क्या लिखेंगे. ठीक है, आठ दिया है, 8 प्रॉब्लम्स, दैट्स फाइन, दैट्स इनफ फॉर यू पीपल, ऐसा कुछ नहीं है. तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है वो सीखा, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज क्या है वो सीखा, उसमें फंडामेंटल कौन है, तो फंडामेंटल अभी रिवाइज करते हैं, लेंथ मास टाइम, ये तीन चीज को बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, और बाद में जो कुछ आते हैं उनको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी, प्रेशर, टेंशन, बाद में एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, बराबर. तो ये सब चीज़ें हैं, इनको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज, और उन फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला क्या है, उनका ऐसा यूनिट क्या है, ये सब आपने अभी सीखा है. आपके लिए ये कन्वर्जन यूनिट भी इम्पॉर्टेंट है. अगर न्यूटन से डाइन में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10^5, और डाइन टू न्यूटन में आना है तो डिवाइड बाय 10^5, इट मीन्स बाय मल्टीप्लाई बाय 10^-5. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द वे इन विच वी कैन स्टडी अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज, ये आपको आना ही चाहिए. और आपके लिए अलग सा है, पहले इसको नोट डाउन करो, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. तो ये हो गया आपका होमवर्क, और भी एक चीज आपको करना है, मैं आपको दिखा के रखता हूँ और बाद में हम अपना आज का लेक्चर खत्म करते हैं. व्हाट इज दैट, दैट इज योर डेंसिटी. हाँ, सपोज हमें डेंसिटी को कन्वर्ट करना है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं प्रॉब्लम देता हूँ, प्रॉब्लम वन कन्वर्ट, तो प्रॉब्लम वन उसको नहीं लिखता है, प्रॉब्लम तो लिया है ना, जस्ट लिखता हूँ मैं कन्वर्ट kg/m² to CJ's unit. इसके जैसे प्रॉब्लम आपको बाद में 11 में आता है, तो पहले दिखा के रखता हूँ आपको ये क्या चीज है. तो CJ's unit क्या है इसका, CJ's unit बन जाएगा CJ's kg/g/cm², ये क्यों दिया मैं आपको, तो इसमें मीटर स्क्वेयर टू सेंटीमीटर स्क्वेयर कन्वर्ट करना पड़ा, बराबर. तो यहाँ पे क्या करना होता है आपको, तो ये अभी प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं करना, इसमें से इतना ही सॉल्व करना है. तो अगर आपको होमवर्क आगे का देते हैं, होमवर्क
नंबर टू, इसमें ए 20 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डैश डैश सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डैश डैश मीटर स्क्वायर, 30 मीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश डैश सेंटीमीटर क्यूब, फोर्थ वन 0.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश डैश मीटर, फिफ्थ नंबर 3.4 मिलीमीटर इट इज इक्वल टू डैश डैश सेंटीमीटर। तो आपको ये आपके प्रायर नॉलेज से मिली सेंटी डेसी आपको मालूम है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर सेंटीमीटर के बीच में जो रिलेशन है उसका यूज करके आज आप इसको 100 नहीं लिखेगा, 10^2 लिख लेगा, इसको 10^3 लिख लेगा, 10^10 10^2 10^3 1/100 मतलब क्या, 1/10^2 मतलब इसका रहेगा 10^-10। तो ये चीजें आपको अभी ध्यान में रखनी है, तो धीरे धीरे हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रॉब्लम तो देखे रखा है, तो बीच बीच में मैं आपको उसका सॉल्यूशन क्या करना है कैसे करना है वो भी आपको समझाते जाऊंगा। किसी को अगर प्रॉब्लम है यू मे आस्क मी ऑन माय पर्सनल नंबर, नो प्रॉब्लम। सो टुडे वी शैल स्टॉप हियर, टुमारो अगेन वी विल कम अप विद अनदर टॉपिक विच इज इन बेसिक ऑफ फिजिक्स। सो टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद फिजिक्स। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, एंड do your studies nicely. Happy learning. Bye.